साल भर हम सबको जिस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है, आज वो त्योहार आ गया। होली मुबारक हो सबको। मुबारक हो, मुबारक हो। मारा भी चश्मा, कल तुम्हारे चेहरे में इतना रंग लगाऊंगा कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे चेहरे को नहीं पहचान पाएगी। तुम्हें भी होली मुबारक हो। मुबारक हो, होली मुबारक। क्या बात है डिंचू भैया, आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे होली है ही खुशियों का त्योहार, आज तो वो त्योहार है जब दुश्मन भी गले मिले। तो मैं भी कल होली खेलने अपने दुश्मनों के घर जाऊंगा, देखता हूँ वो हमारा स्वागत करते हैं या नहीं। अरे करेगा, जरूर करेगा, रंग और पिचकारी से। ये रंग और पिचकारी के त्योहार में गन लेकर आया है, वो भी शायद असली है। कुछ तो गड़बड़ है ढेंचू, कुछ तो गड़बड़ है। छोटे तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बड़े भैया। जी सर, जी बिल्कुल सर, समय कर दूंगा। पता तो लगा ही लूंगा बच्चू कि तेरे दिमाग में कैसी खिचड़ी पक रही है, छोड़ूंगा नहीं। आप जैसा रहें सर। जी जी। अरे दोस्त, होली मुबारक हो। कैसे भाई, क्या हाल है? बढ़िया। क्या बात है, किससे बात कर रहा था? आए, आए, नई गर्लफ्रेंड है? अरे एक नया काम मिला है, उसी के सिलसिले में बात कर रहा था। एक सेकंड। घर का पता 603 हर्ष विहार शांति नगर। ठीक है, आपका काम कल हो जाएगा। आए, लगता है कोई बड़ा काम तेरे हाथ में आया दोस्त। अबे बड़ा काम नहीं, लॉटरी लगी है, लॉटरी। क्या बात कर रहे हैं? लगता है भाई इस होली में तो मैं माला माल हो जाऊंगा। लॉटरी का नाम तो बता जरा, मैं भी तो सुनूं। CID की लॉटरी। क्या? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत की लॉटरी। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे वो ऑफिसर बहुत खतरनाक है। खतरनाक होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, इसीलिए कल अभिजीत का काम तमाम। ए रुक, पकड़ पकड़ उसको, पप्पू पकड़ उसको, उसने सबको सुन लिया है। कहाँ गया ये? अरे उधर चल के देखते हैं। अभिजीत सर का मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, अब क्या करूं? दया सर को फोन लगाता हूँ। रेजू पप्पू, हाँ रेजू बोलो। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। क्या बात है डेचो, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सर अभिजीत सर की जान को खतरा है सर। क्या, किससे खतरा है? सर मेरे घर के सामने होली का दहन हो रहा था, वहाँ पर किसी मुजरिम को मैंने फोन पर बात करते हुए सुना। क्या? किसी ने उसे अभिजीत सर को मारने की सुपारी दी है। अभिजीत की सुपारी? तुमने सामने का चेहरा देखा? हाँ सर, मैंने उसे देखा। देचो, देचो, ये फोन क्यों कट गया? देचो की जान खतरे में तो नहीं है? ओह नो, देचो का फोन भी नहीं लग रहा। अभिजीत को फोन करता हूँ। हाँ दे, अभिजीत, मेरी बात करते सुनो। ये देचो का फोन आया था कुछ देर पहले, उसने कहा कि उसने किसी को सुना है कि तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा? हाँ, मेरी बात सुनो, तुम घर से बाहर मत निकलना, और मैं देचू के घर जाके देखता हूँ कि चक्कर क्या है। मुझे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। नहीं नहीं दे, मैं भी आता हूँ ना। नहीं अभिजीत, नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे, ठीक है? मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि मामला क्या है, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। सचिन, तुम जल्दी से देचू के घर पे पहुंचो, जल्दी। जो फोन क्यों नहीं उठा रहा है, जरूर किसी मुसीबत में आएंगे। देचू, दरवाजा बंद है, देचू कहाँ गया? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये देचू कहाँ गया? वो तो बाहर गया होली जलाना है, अब तक वापस नहीं आया। होली जलाने? हाँ सचिन, आप जा सकते हैं। देचू के बारे में कुछ पता चला? असल मोबाइल कंपनी वाले का कहना है कि देचू का मोबाइल यहाँ आसपास ही कहीं। आसपास? तो टैबलेट में देखो, जीपीएस ऑन करो।
नेचू का फोन एक्टिव है सर। जीपीएस के मुताबिक उसका फोन इस तरफ है सर। इस तरफ सर। सब आगे आगे की तरफ है सर। इधर एक मिनट, इसको फोन लगा के देखते हैं। घंटी तो बज रही है सर। फोन जिस तरफ दिखा रहा है सर। इस तरफ? हाँ सर। सर और करीब आ गए सर फोन के। सर आवाज यहां से आ रही है। इधर डेचू का मोबाइल। डेचू का मोबाइल यहाँ पे? डेचू यहाँ क्यों आया होगा सर? शायद उन लोगों से बचने के लिए वो यहाँ पे आया होगा। लेकिन सर इस पे कहीं कोई खरोच के निशान तो नहीं है? अच्छा, लगता है डेचू ने जानबूझकर अपना फोन यहाँ पे फेंका है ताकि हम उस तक पहुँच सके। एक मिनट जरा फोन दिखाओ। ओह, उसने आखिरी कॉल मुझे ही किया था, उसके बाद कोई फोन कॉल नहीं किया है। ये फोटो किसका है? सर हो सकता है ये दोनों डेचू के दोस्त, मगर इन्हें पहले कभी देखा नहीं डेचू के साथ। एक मिनट, अरे ये फोटो तो आज ही किसी की थी कुछ देर पहले। कहीं ये वही दोनों तो नहीं है जो अभिजीत को जान से मारने की बात कर रहे थे? लेकिन सर चेहरा तो सिर्फ एक का ही दिख रहा है। कहीं ये दोनों अभी भी चौल में तो नहीं? हो सकता है, शायद ढेंचू भी इन्हीं के कब्जे में है। लेकिन सर ढेंचू तक पहुँचे कैसे? शायद यहाँ आस पास के लोगों ने इन दोनों में से किसी को देखा होगा। चलो अरे भाई साहब एक मिनट, इस आदमी को पहचानते हैं आप? कहीं देखा है? अरे भाई साहब जरा सुनो, ये इस आदमी को यहाँ इस गांव में कहीं देखा? नहीं सर। कहीं नहीं? नहीं नहीं। तो इस आदमी को कहीं देखा है? और ये इस आदमी को देखा है क्या कहीं आपका? मैम इस फोटो को ध्यान से देखिए। नहीं? एक्सक्यूज मी मैम, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस आदमी को जानती हैं? ये बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे मैं। एक नंबर का बेईमान इंसान है ये पप्पू। इस आदमी का नाम पप्पू है? हाँ, मुझसे शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया इसने। और फिर शादी के ठीक एक दिन पहले 9-11 हो गया। अच्छा, वैसे ये रहता कहाँ है? यही पास वाली खोली में, मगर इसका दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। कभी आते जाते से देखा नहीं है मैंने। पर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? हम लोग CID से, और इस पप्पू ने जी CID इस आदमी को किडनैप किया है। इसे पहचानते हैं? इसे तो पहले कहीं नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये पप्पू कहाँ मिल सकता है, कुछ बता सकते हैं? शायद वो आपको आखिरी वाली गली में मिल सकता है। वो अक्सर कैरम खेलने जरूर आता है। आखिरी वाली गली में? हाँ। थैंक्स। कैरम खेलने आता है? अभी देख मैं रानी को अपने पास कैसे बुलाता हूँ। हाँ सो बात, ये देख। ए, ऐसे करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानता क्या मेरे को? हिम्मत की बात करता है? हाँ, लगता तो CID की हिम्मत को नहीं जानता। तेरी होली की शुरुआत हमसे ही होगी तेरी। तो
साहब आपके ऑफिसर ने थप्पड़ मार मार के मेरा जबड़ा हिला दिया सर। अगर हमारे सवालों के जवाब सही सही दोगे ना तो जबड़ा हिलना बंद हो जाएगा, समझे? कौन सा सवाल साहब? डेचू कहाँ है? डेचू सर मैं बोल चुका हूँ मैं नहीं जानता डेचू को, कौन है डेचू? सर ऐसे नहीं बताएगा, एक मौका मुझे भी दीजिए, उसके बाद ये डेचू के बारे में बताएगा नहीं, हमें वहां तक लेके भी जाएगा। ठीक है निखिल, जो करना है कर लो। इसके साथ साहब साहब इससे ज्यादा मार खाने की ताकत नहीं है मुझ में सर। है ना? तो बता और सच सच बता। पूछिए सर जो पूछना है सर। कौन है ये, किसके साथ बात कर रहे हो तुम? साहब ये तो कल रात की तस्वीर है जब चौल में होली जलाई जा रही थी, आपके पास कहाँ से है सर? सवाल हमने पूछा है तुमसे, जवाब तुम दोगे, समझे? बोलो कौन है ये? अनिल। अनिल क्या बातें हो रही थी अनिल के साथ? इंस्पेक्टर अभिजीत को मारने की? नहीं साहब मैं कोई प्लान नहीं बना रहा था, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब। ए चुप। साहब ये कह रहा था कि उसे अभिजीत सर को मारने की सुपारी मिली है। किसने किसने दी थी सुपारी? ये तो मुझे नहीं मालूम, वो फोन पे बात कर रहा था साहब। और फिर जब ढेंचू ने तुम्हारी बातें सुन ली तो उसे भी गायब कर दिया? नहीं साहब मैंने नहीं, अनिल ने, इसे साथ में लेके गया हो। कहाँ ले गया? मुझे नहीं मालूम साहब। ये अनिल रहता कहाँ है? अनिल वो भी मुझे नहीं मालूम साहब। सर ऐसे नहीं बताएगा सर, इसकी खातिरदारी कर दो सर। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि होली के पार्टी में उन लोग अभिजीत सर को मारने वाले थे। होली की पार्टी में? हाँ सर अभिजीत सर होली की पार्टी में जाने वाले हैं डॉक्टर तारिका के साथ। कहाँ पर है ये पार्टी? सर ये तो नहीं मालूम। फोन लगाओ तारिका और तुम अभिजीत को फोन लगाओ। सर डॉक्टर तारिका का फोन तो बंद आ रहा है। अभिजीत सर का भी फोन बंद आ रहा है सर। अनिल का नंबर दो जल्दी। 1797-58303 इसका भी फोन बंद। इनों के भी फोन नहीं लग रहे, हो सकता है जहाँ पर ये पार्टी में गए हो वहाँ पर कोई नेटवर्क ही ना। मोबाइल कंपनी से पता लगाओ इन तीनों के फोन आखिरी बार कहाँ तक ट्रेस हुए। अनिल की फोटो चाहिए, अनिल की फोटो। सचिन क्या पता चला है अनिल के बारे में? सर अनिल की पूरी कुंडली मिल गई है सर। ये पुराना मुजरिम, दो खून भी कर चुका है और 2007 में जेल गया था लेकिन वहां से फरार हो गया। जेल जाकर भी बाज नहीं आया ये अनिल। ये ऐसे लोग हैं ना समाज के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। अनिल बताओ। सर मोबाइल कंपनी से पता चल गया है कि अभिजीत सर डॉक्टर तारिका और उस अनिल का फोन कहाँ पे है? इस इलाके में। ये देखिए सर ये लाल लाइन है सर अभिजीत सर के फोन की, और ये नीली लाइन है सर डॉक्टर तारिका के फोन की, और ये पीली लाइन होगी अनिल की, है ना? हाँ सर। अभिजीत का फोन था खातीपुरा एरिया में, वहां से वो गया कीर्ति नगर जहां पर तारिका रहती है। सर फिर तो जरूर अभिजीत सर डॉक्टर तारिका को लेने गए होंगे उस पार्टी में जाने के लिए। करें बिल्कुल। और फिर कीर्ति नगर से अभिजीत और तारिका दोनों भी गए प्रीतम नगर। हाँ सर, और अनिल का फोन अंबावाड़ी से मुड़ गया प्रीतम नगर की तरफ। अनिल का फोन भी मतलब अनिल भी मुड़ा अंबावाड़ी से प्रीतम नगर जहां पर अभिजीत और तारिका भी गए। प्रीतम नगर पहुंचने के बाद अभिजीत तारिका और अनिल इन तीनों के फोन बंद हो गए। जरूर प्रीतम नगर में किसी होली की पार्टी में गए हैं। प्रीतम नगर में पता लगाना पड़ेगा, प्रीतम नगर में कहां कहां पर होली की पार्टियां हो रही है। प्रीतम नगर।
साहब आप कौन? इनविटेशन कार्ड? ये रहा इनविटेशन कार्ड। सीआईडी को इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? ये अभिजीत तारिक और अनिल, इन तीनों के सेलफोन यहीं पर बंद हुए थे ना? सर, इस पार्टी से करीब 200 मीटर की दूरी में। तो फिर वो जरूर यहीं पर आए होंगे। जरा फोटो देखो, ये दोनों को यहाँ पे आते हुए देखा है पार्टी में? पता नहीं साहब, आज होली का दिन है, सबके चेहरे पे रंग लगा हुआ है। हाँ हाँ, फिर भी जरा ध्यान से देखो साहब। मैंने कहा ना, नहीं देखा मैंने इनको। चलो कोई नहीं, ये फोटो देखो, इस आदमी को देखा? हाँ साहब, ये आदमी 15 मिनट पहले यहीं आया था। 15 मिनट पहले यहीं आया था? हाँ। तो दया, अगर ये आदमी 15 मिनट पहले यहीं पर आया था तो इसका मतलब है अब तक अभिजीत को ढूंढ नहीं पाया होगा। अंदर चल कर देखते हैं। मुझे डर लग रहा है इस होली की पार्टी में कोई कोई रंग डाल के मेरे कपड़े खराब ना कर दे। थोड़ा रंग लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है फ्रेडी, आज होली है, एंजॉय करो। दया सर, जरा प्यार से पूछताछ करना, होली का माहौल है कि मूड खराब ना हो जाए लोगों का है। सीआईडी सर, मुझे लगा कि आप लोग भी मेहमान होंगे इसलिए सॉरी। जरा ये फोटो देखिए इन तीनों की, इन लोगों को यहाँ पे देखा इस पार्टी में? नहीं सर, मैंने सबको रंग लगाया है सर, तो मुझे पता है कि इनमें से तो कोई नहीं है सर। सर सर, पार्टी में ना ही किसी ने अनिल को देखा, ना ही अभिजीत सर को, ना ही डॉक्टर तारिका को। सर क्या हुआ श्रेया? नहीं सर, सबसे पूछ लिया, किसी ने भी नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा बाहर? किसी ने भी नहीं देखा उन्हें, लेकिन वो लोग है तो यहीं पर अंदर है। घर के अंदर चलकर देखते हैं। जरा देखो इन तीनों को, क्या आपने देखा ही नहीं यहाँ पर? जरा ये फोटो देखिए। समझ में नहीं आता ये अभिजीत गया तो गया कहाँ? देखिए जरा ठीक से, इन तीनों को देखा तुमने आप? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप कहीं सीआईडी ऑफिसर अभिजीत को तो नहीं ढूंढ रहे? क्या मैं एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत को देखा आपने? मैं ठीक से देख तो नहीं पाया क्योंकि उनकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन वो एक आदमी से बात कर रहे थे और वो आदमी उन्हें सीआईडी ऑफिसर अभिजीत कहकर पुकार रहा था। किस आदमी के साथ बात कर रहा था अभिजीत? यही आदमी है। तो कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर की तरफ गया। कब गए? अभी 2 मिनट पहले। एक एक कमरा चेक करो, देखो देखो अभिजीत कहाँ पर है, जल्दी। अभिजीत पलटा, ये तो अनिल है, जिंदा है। फ्रेडी जल्दी से एम्बुलेंस बुला। अनिल ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये? हाँ किसने किया बता। अभिजीत ने। क्या कहा? अभिजीत? अभिजीत ने अभिजीत, रुक जाओ अभिजीत। अभिजीत लिख रहा हूँ उसे, वो आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अभिजीत दया, मैंने कहा लेकर आओ उसे, अगर वो आना चाहता तो मेरी आवाज सुनकर वापस क्यों नहीं आया वो? मगर सर वो दया, अगर वो तुम्हारे साथ आने से इनकार करे तो तुम भी उसके साथ वही करोगे जो किसी और मुजरिम के साथ करते हो, दैट्स ऑल। सर आप हमेशा अभिजीत के साथ इतनी सख्ती क्यों करते हो? हो सकता है सर वो इसलिए दया क्योंकि अभिजीत एक सीआईडी का सीनियर ऑफिसर है और मैं चाहता हूँ कि वो कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करेगा। ये कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं, दैट्स ऑल। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह अभिजीत ने इस बार भी जो कुछ किया होगा वो कानून के दायरे के अंदर ही रखे किया होगा। मुझे और कुछ नहीं सुनना है दया, तुम उसे लेकर आओगे एंड दैट्स एन ऑर्डर, दैट्स ऑल। यस सर। हटिए। इस गन से तो गोली चली नहीं है।
यहाँ पर गोली तो एक ही चली है, तो कहीं देखो भाइयों, कितने शर्म की बात है, एक सीआईडी ऑफिसर एक बेगुनाह को गोली मारकर भाग गया। अब देखते हैं कि एसीपी प्रद्युमन कितना इंसाफ करता है जब खुद उसके एक ऑफिसर ने जुर्म किया है। हटिए हटिए चलो। सर एम्बुलेंस आ गई। बहुत देरी हो गई फ्रेडी, अनिल मर चुका है। अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ यार, हटिए हटिए प्लीज, हटिए प्लीज, साइड में, अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत। मैंने तो इस अभिजीत के बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने थे, पर सोचा भी नहीं था कि वो खुद खून करके भाग जाएगा। और ये खून उन्हें इसी पार्टी में करना था, पार्टी का सारा मजा किरकिरा करती। यहाँ एक आदमी की जान गई है और आपको मजे की पड़ी है। जान गई आप ही के ऑफिसर की वजह से। सरकार ने आप लोगों को गन इसलिए नहीं दी है कि आप आम लोगों को निशाना बनाते फिरो। बस बहुत सुन लिया हमने, कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों की जिंदगी में ये सुरक्षा, ये शांति, ये सुख चैन किसकी वजह से? वो तो कानून और सीआईडी की सतर्कता की वजह से है, हमारे हौसले की वजह से है, समझे आप? एसीपी साहब, आप देखना ये है कि आप अपने सीआईडी ऑफिसर को उसी हौसले के साथ सजा दिलवाएंगे या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अभिजीत ने गुनाह किया है तो उसके साथ भी वही सुलूक किया जाएगा जो बाकी मुजरिमों के साथ होता है। और चुप रहिए। सर क्या आपको वाकई में लगता है कि अभिजीत सर ने ही इस अनिल का खून किया है? एक बात बताओ मुझे निखिल, क्या उस कमरे में कोई तीसरा औरत था? नहीं सर। कोई और गोली चली थी? सिर्फ एक ही गोली चली थी ना, और जो गन हमें वहां पर मिली उसमें से गोली चली थी? नहीं सर। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि गोली अभिजीत ने चलाई हो? सर ऐसा भी हो सकता है कि अनिल ने अभिजीत सर पर गोली चलाने की कोशिश की होगी और आत्मरक्षा में अभिजीत सर ने उसे मार दिया होगा। मान लिया कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, तो फिर वो भागा क्यों? मैंने बुलाया तो भी नहीं रुका, क्यों नहीं उपरा? जरूर गुनाह करके भागा है वो। कहाँ है अभिजीत? निकल गया सर वो। कैसे? सर मैंने पूरी कोशिश की उसे रोकने की, मगर रोक नहीं पाए। हा? दोस्ती है ना दया, दोस्ती के हाथों में वो जुनून नहीं था जो एक सीआईडी ऑफिसर के हाथों में होता है। अभिजीत तुम्हारा तो सबसे अजीज दोस्त है, आज मेरे एक होनहार ऑफिसर के हाथों खूनी बचकर भागा है, शर्म की बात है। सर प्लीज सर, आप अभिजीत को अभी खूनी मत कहिए, उसे एक बार अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। बात करने के लिए तो बुलाया था ना उसे, सच्चाई जानने के लिए तो बुलाया था ना, तो फिर भागा क्यों अभिजीत? वो भागा इसलिए दया क्योंकि उसने गुनाह किया है, गुनाह किया है। लेकिन एक बात भूल गया अभिजीत, कि आज तक कोई ऐसा मुजरिम पैदा नहीं हुआ जो इस एसीपी प्रद्युमन के हाथों से निकल चुका है। अनिल सर, इस मरने वाले का नाम अनिल है और एक पुराना मुजरिम भी है। ओह, तब तो इसका एड्रेस हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में जरूर होगा। एक काम करो, इसका एड्रेस सचिन को एसएमएस करो और भेजो उसे इस अनिल के ठिकाने पे। सर डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? कितना टाइम लगेगा? काम डाउन दया, मैं पता लगा रहा हूँ कि गोली अभिजीत की गन से चली है या नहीं। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, टेंशन हो रही है। देखो दया, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी कराओगे तो गड़बड़ हो सकती है। ओके ओके सॉरी, टेक योर टाइम। सर सर मिस कर दिया सर। गुड दया। हाँ सर। दया पता चल गया है कि गोली अभिजीत की गन से चली है या नहीं? जल्दी बताइए ना, चली है या नहीं? नहीं। थैंक गॉड। जिस गोली से इस आदमी की मौत हुई है वो गोली अभिजीत की गन से नहीं चली है। और इस गन पे जो उंगलियों के निशान है? दो उंगलियों के निशान है, एक तो इसका मरने वाले का और एक किसी अजनबी का। मतलब सर एक बात साफ हो गई कि खून अभिजीत सर ने नहीं किया है, खून उस अनजान आदमी ने किया जिसकी उंगली के निशान उस गन पे है। नहीं, अभिजीत की उंगलियों के निशान इस गन पर नहीं है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। हो सकता है अभिजीत ने दस्ताने पहन करके, ग्लव्स पहन करके खून किया। शक? आप अभिजीत में शक कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आप जानते हैं वो एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर है। मैं जानता हूं,
मैं जानता हूं दया के अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है और इसीलिए सीआईडी ऑफिसर के अनुभव के नाते उसे बात पता है कि बिना सबूत छोड़े किसी का खून कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज आप पर्सनल मत होइए। हम जानते हैं कि आप अभिजीत को पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पहले से दोषी मान रहे हैं। और तुम अभिजीत के बहुत अच्छे और गहरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभिजीत को हर बार बचाते चले जाओ। अभिजीत अगर बेगुनाह है तो वहां से भागा क्यों? सर जरूर कोई ठोस वजह रही होगी। देखो दया, अभिजीत गुनहगार है या बेगुनाह है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर अगर उस अभिजीत की वजह से उस तारिका पर जरा सी भी आ जाए तो तुम लोग सीआईडी में डॉक्टर सालू के वो रूप देखोगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर साहब आपको तारिका की जितनी चिंता है उतनी चिंता हमें भी है, और अगर डॉक्टर तारिका इस वक्त अभिजीत के साथ है तो आप निश्चिंत होइए, बेफिक्र रहिए, अभिजीत अपनी जान पे खेलेगा पर उसे कुछ होने नहीं देगा। पता नहीं कहां है बच्चे, फोन तक नहीं लग रहा उसका। अब इस अनिल के ठिकाने के जाने के बाद ही पता चलेगा आखिर ये सारा माजरा है क्या। देखो जनंद सर, उस कमरे में भी कोई नहीं है। इसका मतलब अनिल यहाँ पे अकेले रहता था। ये अनिल तो मर चुका है, तो अब हम यहाँ क्या ढूंढने आए सर? ये पता करने आए हैं कि इस अनिल को अभिजीत सर की सुपारी दी किसने। इस घर को अच्छी तरह से छान मारते हैं, घर का कोना कोना ढूंढते हैं, हमारे सवाल का जवाब यहीं कहीं छिपा है। ये देखो इसके अंदर ये पैसे छिपा के रखे गए, देखो उसमें। हाँ सर, इसमें भी पैसे हैं। इसमें भी है? लगता है ये सारी पाप की कमाई अनिल को सुपारी के रूप में मिली है, मासूम लोगों की जान लेने की सुपारी। मासूमों की जान लेकर ये पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपने साथ क्या ले गया? कुछ भी नहीं। मरने के बाद सारी की सारी दौलत यही रह जाती है। कुछ अच्छे काम किए होते ना तो दुनिया याद करती थी। अरे ये आवाज कैसी है? श्रेया कमरे में तो कोई नहीं था ना? सर मैंने अच्छे से चेक किया था, उस कमरे में कोई नहीं था। श्रेया कोई तो जरूर है इस कमरे में, संभाल गया। सर आवाज यहीं से आ रही है। भेजो तू यहां पे। पानी लेते हो? रेजू तुम ठीक तो ना? पानी। अब ये बताओ कि तुम यहां पहुंचे कैसे? सर होली की रात मैं फोन पे दया सर से बात कर रहा था सर, तभी अचानक अनिल आया और उसने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया सर, ये देखिए। और फिर उन दोनों ने मुझे उठाकर यहाँ लाए और इस कमरे में बंद कर दिया सर। अनिल को ये पता नहीं मेरा नाम ढेंचू है, ढेंचू। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए सर, मैं उसकी नान याद दिला दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अनिल मर चुका है। मर चुका है? किसने मारा? इसका तो पता नहीं है, लेकिन इल्जाम अभिजीत सर पे है और अभिजीत सर गायब है। इसका मतलब अभिजीत सर अपनी जान बचाने के चक्कर में अनिल को? नहीं डेजू, दिल कहता है कि अभिजीत सर ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके पीछे चक्कर कुछ और ही है। डेजू जरा सोच के बताओ उस दिन क्या हुआ था,
तुमने अनिल के मुंह से कुछ भी कुछ अलग सा सुना? कुछ भी? हाँ सर, शांति नगर में किसी एड्रेस के बारे में बोल रहे थे वो लोग। क्या एड्रेस है, कुछ याद है तुम्हें? हाँ, घर का बता। 603 हर्ष विहार शांति नगर। हाँ सर, 603 हर्ष विहार शांति नगर। 603 हर्ष विहार शांति नगर। एक काम करता हूँ, मैं दया सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो शांति नगर के आसपास ही है। हेलो, अनिल मरने से पहले फोन पे किसी से इसी एड्रेस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन पता किया ये घर किसका है? सर पंकज पता कर रहा है सर, उसी का फोन है सर। हाँ पंकज, शांति नगर वाला घर किसके नाम पे है पता चल गया क्या? तुमने ठीक से चेक किया है ना? ठीक है ठीक है। क्या कहा उसने? सर पंकज बता रहा है कि ये घर अभिजीत सर के नाम पे है। क्या, ये कैसे हो सकता है? अभिजीत तो श्याम नगर में रहता है। सर हो सकता है उनका दूसरा घर हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। नहीं निखिल, अगर कोई दूसरा घर होता तो अभिजीत मुझे जरूर पता था, ये कोई गहरी साजिश है। बोले चले क्या वास्तव? ए, ए, रुक, रुक जा, पकड़, चल नीचे। किस पे गोली चला के भागा? तुम्हारे काबिल ऑफिसर अभिजीत पे। अभिजीत, 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 अभिजीत करते आंसू बहाते रहना। अभिजीत कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा दोस्त आ गया। अभिजीत की जिंदगी की ये आखिरी होली होगी। माफ करना दया, मैंने तुमसे तुम्हारा दोस्त छीन लिया। ये अभिजीत नहीं है। Thank God। मार चुका है। कौन है आदमी, क्यों मारा इसे? लगता है तुम्हारे दया सर को सदमा लग गया है, अपने दोस्त अभिजीत को नहीं पहचान रहे। ये आदमी अभिजीत नहीं है, बता क्या चक्कर है? ये कैसे हो सकता है, मैंने इसे अभिजीत समझ के मारा है। अच्छा, तो जैसा खटमल अभिजीत को मारेगा। साहब मेरा नाम सुरेश है, मैं सुपारी लेके खून करता हूँ। अभिजीत की सुपारी मुझे दी गई थी और इस घर का पता भी। तुम्हें ये सुपारी किसने दिया? पता नहीं साहब। सच बोल, बता। साहब एक अनजान नंबर से कॉल आया था और कहा कि बहुत खतरे का काम है, मुझसे पहले जिसे ये सुपारी दी गई थी वो अभिजीत के हाथों मारा गया था। कितने बजे आया था ये फोन? साहब दोपहर 12:30 बजे। 12:30 बजे, मतलब जरूर वो आदमी उस वक्त होली की पार्टी में होगा, वरना उसे कैसे मालूम कि अनिल खुद मारा गया है। जरा तुम्हारा फोन दिखाना, देखो किस नंबर से फोन आया था तुम्हें। साढ़े बारह बजे हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। जी हाँ, अच्छा जिस नंबर से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ इस नंबर पे 12:30 बजे 1114048 से फोन कॉल आया था। हाँ जरा ये नंबर ट्रेस करो और ये पता करो कि इस वक्त ये नंबर शहर में कहाँ पर है। ठीक है, थैंक यू। अभिजीत को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी और इस अनिल ने उसे मारने की कोशिश भी की, मगर वो खुद मारा गया। अभिजीत वहां से भाग गया और अब ये सुरेश, इसने इस आदमी को अभिजीत समझ के इसका खून कर दिया। आखिर कौन है जो अभिजीत को मारना चाहता है? सर, सर वो मरने वाला आदमी नकली CID ऑफिसर अभिजीत बन के घूम रहा था, मेरा उसका आईडी कार्ड। नकली CID ऑफिसर? ठीक है, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कुछ साल पहले। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नकली पहचान बना ली थी इंस्पेक्टर दया की, और जो हमला मुझ पे होने वाला था वो उस पे हो गया, अब बेचारा मारा गया। मगर सर सवाल ये है कि वो आदमी नकली CID ऑफिसर अभिजीत बन के क्यों घूम रहा था? अब इस बात का जवाब तो वही देगा जो ये खेल खेल रहा है, पर मुझे अब ये लग रहा है कि अनिल का खून अभिजीत ने नहीं बल्कि इस नकली अभिजीत ने किया है। सर मेरा SMS आया। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? उसी आदमी का है जिसने आपको ये काम सौंपा था सुपारी देके, पूछ रहा है कि काम हो गया है कि नहीं। जवाब दे देता हूँ, काम हो गया। काम हो गया।
क्या बात है, बहुत जल्दी है सामने वाले को। तुमने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करूंगा। क्या काम करने वाला है? अबे बता क्या काम करेगा ये? मुझे कहा था जब अभिजीत को मैं मार दूंगा तब वो अभिजीत के किसी करीबी को मार डालेगा। अभिजीत के किसी करीबी को? मतलब तारिका? मतलब सब डॉक्टर तारिका की जान खतरे में है। हो सकता है निखिल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नकली अभिजीत की तरह तारिका भी नकली है? कि होली की आखिरी पार्टी यहीं पर है, अब जीत तारीख भी यहीं पर होनी चाहिए। चलो देखते हैं। मुझे मैसेज कर दीजिए। सर, सर, सर वो अनजान फोन नंबर का पता चल गया जिसे दया सर ने ट्रेस करने को कहा था। अच्छा, इसका मतलब वासली खिलाड़ी यहीं पर है। यहीं पर है और यहाँ होली के रंग बना रहा है वो। रंग तो हम लगाएंगे उसे, होली के नहीं, इंसाफ के रंग। तारिका जी ने कहाँ फंसा दिया मुझको, तो मैं यहाँ किसी को जानता है नहीं, ऊपर से फोन का नेटवर्क भी नहीं है, नहीं तो बात कर लेता। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। साल भर तो बीवी पीने नहीं देती, आज ही तो मौका मिला है अपने अरमान पूरा करने का। ठीक है ठीक है। भाई साहब, आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। अरे आप इतने हैंडसम हैं, कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड जरूर होगी आपकी। वो है गर्लफ्रेंड है, मगर अभी दिल की बात नहीं कह पाए उससे। मेरे सुझाव मान लो, जितनी जल्दी हो सके उसे दिल की बात बता दो, कहीं ऐसा नहीं हो वो किसी और लड़के के साथ चली जाए और आप उसकी शादी में बस प्लेटें गिनते रह जाओ। हाँ ठीक है, मैं वो बोल दूंगा उसको, दिल की बात बोल दूंगा। आप चलो एंजॉय करो। नहीं जल्दी नहीं, अभी बोलो। होली से अच्छा और क्या दिन हो सकता है दिल की बात जुबान पे लाने के लिए। ठीक है महाराज, मैं अभी बोल दूंगा, आप चलिए। ऑल द बेस्ट। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है ठीक। सर, शराब आप कहाँ थे? शराब, अच्छा वो शराब मिल गए। डॉक्टर तारिका कहाँ है सर? तारिका यही है, क्या बात है? उनकी जान खतरे में है सर। तारिका की जान खतरे में? किससे? जीत कहानी बहुत लंबी है, वक्त बहुत कम है, तारिका कहाँ है जल्दी बताओ। सर वो अभी यहीं खड़ी थी। कल्पना, तारिका कहाँ है? वो तो अभी अपने दोस्त के साथ चली गई। दोस्त के साथ? किधर गई? ऊपर। अभिजीत कहाँ हो? अरे उस आदमी ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ बैठे हो। अभिजीत बहुत हो गया मजाक, इस बार तो मैं तुम्हें कलर लगा के ही छोड़ूंगी।
अरे कहाँ? बहुत हो गया, ठीक है। मैं एक बार कह देती हूँ, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, अगर इस बार बाहर नहीं निकले ना तुम। सालों के साल सही कह रहे थे, तुम बहुत मतलबी हो। चलो ना दीजिए, कितना मजा आ रहा है यार, चलो। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं फाइनल जा रही हूँ, इसके बाद मैं कभी बात नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके बाय। मास्क पहन लिया है कलर से बचने के लिए। हाँ मैं तो फिर भी कलर लगाऊंगी। जी क्या कर रहे हो तुम? अभिजीत ही हो ना? मैं हूं तेरी मौत। मौत कौन है तुम? कौन है तुम? कारिका, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे प्यारे सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत के पास पहुंचाना चाहता हूँ। मतलब ये कि उसे तो मैं ऊपर पहुंचा चुका हूँ, अब तेरी बारी है। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम, बकवास। जिसने भी कोशिश की अभिजीत को ऊपर पहुंचाने की, कब के ऊपर पहुंच गए? जीत तुम्हारे सामने खड़ा है। क्यों, ये नहीं हो सकता, अभिजीत तो मर चुका है। नहीं अभिजीत मरा नहीं, ये रहा अभिजीत, असली अभिजीत। अब जरा तुम्हारा भी मुखड़ा देख ले, हटाओ इसका घूंघट। वही हो ना जो मैं पिछली पार्टी में मिले थे? क्या कह रहा है? सीआईडी की तरफ से होली का तोहफा तो ले ले। तो बताओ। हाँ, मैं पिछली होली पार्टी में भी था, जब मेरा भेजा हुआ प्यादा अनिल शहीद हो गया, तो मैंने अभिजीत को मारने के लिए दूसरे खूनी को सुपारी दी। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? आपको नहीं, मैं तो दूसरे अभिजीत को मारना चाहता था। उसका नाम अभिजीत नहीं, दिग्विजय था, दिग्विजय। तो क्या वो सीआईडी ऑफिसर नहीं था? नहीं, वो सीआईडी ऑफिसर नहीं था, फिर भी उसे क्यों मारना चाहते थे? उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर वो मुझे धमकाता था, मुझसे पैसे ऐंठता था। उसकी मांगे पूरी करते करते हमारी माली हालत बहुत खराब हो गई थी, हम लोग फुटपाथ पर आ गए थे, और मेरी पत्नी ये सब बर्दाश्त न कर सकी और उसने हाथ बंधिया कर ली। नकली सीआईडी ऑफिसर बन के? सर ऐसे लोगों को तो। सर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि हमारा एक अपना घर होगा, घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा होगा, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे। लेकिन जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत और उसकी दोस्त डॉक्टर तारिका की मौत। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है हमें, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथों में ले लो। जुर्म चाहे जो भी करे, तुम्हारे लिए तो कानून के दरवाजे खुले थे, हमारे पास आ सकते थे, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लेना चाहा और उसकी वजह से दो दो लोगों की जानें चली गई। तुम्हें तो शायद अब फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।